क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ऑब्जर्वेशन आपके पास होनी चाहिए कि ये एफ ऑफ जी एक्स और जी डैश एक्स है ना। अब एफ क्या है आपका, ई है, और जी एक्स क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, और जी डैश एक्स क्या है, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो इसको हम थोड़ा कायदे से लिख दें, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स और इंटू वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब साफ साफ दिख रहा होगा कि ये फंक्शन जी एक्स हो गया, ये उसका डेरिवेटिव है। तो अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए, चलिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही कर देंगे हम यहाँ से, लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू यू, तो क्या हो जाएगा आपका, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी यू हो जाएगा। तो ये पूरा आपका डी यू बन जाएगा और ये e की पावर u हो जाएगा। तो आप क्या लिख लोगे, दैट इज इंटीग्रल ऑफ e की पावर u डी यू, और e की पावर u का इंटीग्रल e की पावर u होता है, e की पावर u, और ये एक इंडेफिनिट कांस्टेंट। लेकिन डमी वेरिएबल के टर्म में आंसर छोड़ेंगे नहीं, क्या लिख देंगे u को, टेन इनवर्स x, तो ये हो गया e की पावर टेन इनवर्स x प्लस, ये आपका आंसर हो गया।